नमस्कार। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ पार्ट अब देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत अलग रिएक्शन थी, जैसे इसके पहले वाले में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन बताया, अब हम लोग देखेंगे समावयवीकरण, एरोमेटिकरण और ताप अपघटन, ठीक है। तो अगला पार्ट हम लोग देख रहे हैं समावयवीकरण, ठीक। अब इसमें क्या है, तो इस शब्द से पहले हम लोग देखते हैं समावयवी या समावयव और दूसरा समावयवता, ये दो टर्म्स क्या होते हैं। तो समावयवता का मतलब ये था कि दो या दो से अधिक ऐसे अणु, कार्बनिक अणु, अकार्बनिक अणु भी हो सकते हैं, जैसे आप उपसहसंयोजी यौगिक में देखेंगे तो वहाँ भी मिलता है आइसोमेरिज्म, हम अभी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक अणु जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, वो समावयवी कहलाते हैं और घटना कहलाती है समावयवता, ठीक। एल्केन में आ जाओ, समावयवता कई टाइप की होती है, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, संरचनात्मक समावयवता में भी कई टाइप के आ जाता है। तो उसमें एल्केन की अगर अंतर्गत देखें हम, तो वहाँ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, इनमें किसी प्रकार की कोई समावयवता नहीं मिलेगी। अब आते हैं कार्बन नंबर 4 पे, ब्यूटेन पर, C4H10 एंड सो ऑन, उसके आगे बढ़ जाओ। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ एल्केन की जो सबसे कॉमन जो आइसोमेरिज्म है वो है चेन आइसोमेरिज्म, मतलब श्रृंखला समावयवता, जहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो चेन है कार्बन का, उसमें कुछ चेंज हो जाता है, मतलब उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, तो श्रृंखला समावयवता उत्पन्न होती है। स्थान समावयवता भी हायर एल्केन्स में उत्पन्न हो सकता है, जहाँ पर एल्किल समूह के पोजीशन चेंज हो जाए, बेसिक रूट कार्बन वो सेम रहे, और अगर कार्बन 7 या उससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर प्रकाशिक समावयवता भी मिल सकती है, किरेलता उत्पन्न होने पर, किरेलता उत्पन्न होने पर ध्यान रखेंगे, तो प्रकाशिक समावयवता भी यहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो था जो टोटल अभी एक्सप्लेनेशन दिया हमने, ये समावयवता के बारे में था, थोड़ा बहुत हिंट दिया हमने। अब यहाँ आ जाओ समावयवीकरण, तो यहाँ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम आइसोमराइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हम कैसे आइसोमर्स डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 4 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन के गैसीय हाइड्रोकार्बन्स को ले लें, एल्केन को ले लें, और उसे हम लगभग 35 ATM प्रेशर, मतलब 35 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 और सांद्र Cl, निर्जल AlCl3 और सांद्र Cl के साथ अगर आप क्रिया करा दें तो हमें उसका, उस एल्केन का आइसोमर मिलता है। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि चेन छोटी हो जाती है, चेन छोटी हो जाती है, जो ब्रांच है वो बढ़ जाती है, चेन छोटी जाएगी, ब्रांच बढ़ जाएगी, जो साइड चेन है वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे समावयवीकरण। अब देखो जरा प्रोसेस में एक रिएक्शंस हम उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, सांद्र Cl, 35 ATM प्रेशर एंड अप्रॉक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब ये है क्या, दिस इज एन ब्यूटेन, क्या है बेटा, एन ब्यूटेन, क्लियर। अब इसका अगर हम रिएक्शन करा दें तो हमें मिलता क्या है, CH3, यहाँ हो जाता है ये क्या हो गया, ये एन ब्यूटेन था, ये आइसो ब्यूटेन हो गया, नाम IPSC नेम, तो ये हो जाएगा 2-methylpropane, और इसका तो यही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रूट में 3 कार्बन की चेन आ रही है, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, 1, 2, 3, और यहाँ 4 कार्बन की चेन आ रही है, क्लियर। तो ये प्रोसेस कहलाएगी समावयवीकरण। अब और देख लो इसमें, जैसे मान लो ये है, ये ले रहे हैं हम, यहाँ से काउंट करेंगे, ये वाला साइड चेन हो जाएगा, अब चाहे यहाँ से गिनो तो ये वाला साइड चेन हो जाएगा, ठीक है, लंबी चेन हमें ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये साइड चेन हो गया 2-methyl, तो ये मेथिल हो गया ना, CH3 है ये साइड चेन, लाइन स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, ये CH3, ये भी CH3, ये CH है, CH2, CH3, दिस इज CH3, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, क्लियर। अब नंबरिंग अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 2-methylpentane, 2-methylpentane। अब अगर इसको भी हम, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये, और कंसेंट्रेट HCl, ठीक, टेम्परेचर और प्रेशर एज इट इज़,
अगर हम इतना इस पर करा दें रिएक्शन यहाँ पर, क्लियर, तो होता क्या है, हमें क्या मिलेगा, देखो ये मिल गया। अब 1, 2, 3, 4, 5 मतलब यहाँ जो रूट कार्बन था वो 5 कार्बन की चेन थी, और यहाँ पर अब हम नाम दें 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 हुआ, और ये मेथिल और ये मेथिल, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो चाहे इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, मेथिल दोनों मेथिल की पोजीशन का सम जो है वो सेम आएगा, 2+3, 5 2+3, 5 तो ये हो जाएगा 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक बेटा, यहाँ जो रूट आ रहा है वो है 4 कार्बन की चेन का, क्लियर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन और यहाँ पर 4 कार्बन की चेन, तो यहाँ नंबर ऑफ जो रूट चेन है वो चेंज हो गया है, तो नंबर ऑफ कार्बन का जो रूट है वो चेंज हो गया है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये समावयवीकरण। ओके, तो अगला पार्ट देखो, एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन क्या मतलब है इसका, एरोमेटिकरण का मतलब क्या है, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन एरोमेटिकरण कहलाता है। ठीक बेटा, तो एलिफेटिक से क्या मिल जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाए एलिफेटिक टू एरोमेटिक, तो वो प्रोसेस कहलाती है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर एरोमेटिकता की बात कर की जाती है, मतलब उसमें एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, और इसका एक बेसिक क्राइटेरिया अगर हम देख लें तो वो है हाकेल रूल, 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड में फॉलो होना चाहिए, और जो सारे के सारे सी बॉन्ड एच हैं वो इक्विप्लेनर होने चाहिए, मतलब सब के सब समतलीय अवस्था में होने चाहिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एरोमेटिसिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी का, वो एरोमेटिकता की प्रॉपर्टी है, हम रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एरोमेटिकरण होता क्या है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करना कहलाता है एरोमेटिकरण। ठीक, तो जनरली जो कार्बन नंबर होते हैं वो 6 कार्बन या उससे ज़्यादा, जैसे बेंजीन जो एक बेसिक कंपाउंड है एरोमेटिक कैटेगरी में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेसिक जो है वो है बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन C6H6, तो एल्केन से हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिएजेंट हम लेंगे वो मोस्टली क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब क्रोमिक Cr2O3 और एल्युमिना Al2O3, इनका मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो क्रोमिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसके कारण हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदल लेते हैं। देखो जरा क्या होता है यहाँ, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब C6H14। ठीक है, और इस नॉर्मल हेक्सेन को, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वैसे, ठीक है, एन हेक्सेन जो है वो आध्रुवीय विलायक होता है, तो अगर इसको हम क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उत्प्रेरक के मिश्रण पर लगभग टेम्परेचर ज़्यादा कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इससे होगा क्या, यहाँ पर जो एन हेक्सेन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये मिल जाएगा C6H6 प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा, कितना, 8 हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लियर। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इनके रिएजेंट का नेचर है, मतलब ये जो उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक क्रोमियम ऑक्साइड, ये सी बॉन्ड एच को तोड़ने में सक्षम होता है, ये जो क्रोमियम उत्प्रेरक है ये सी बॉन्ड एच को तोड़ने में सक्षम होता है, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये जनरली सी बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम होता है, सी बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम होता है ये उत्प्रेरक, और ये जो उत्प्रेरक होता है वो सी बॉन्ड एच को तोड़ने में सक्षम होता है, क्लियर। अब एन हेक्सेन को किसे बदल दिया है, बेंजीन में, हेक्सेन ये हो गया बेंजीन C6H6। अब देखो जरा इसमें ये एन हेक्सेन कैसे हुआ, ये था एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब ये CH3 CH2 CH2 फोर टाइम्स एंड लास्ट में CH3, कंडीशन वही है, क्या मिल गया हमें C6H6। अब देखो ये, मतलब यहाँ साइक्लाइजेशन भी हुआ है और साथ में 4 हाइड्रोजन
निकला है, मतलब ये ओपन चेन था, चक्रीकरण भी हुआ है, साइक्लाइजेशन भी हुआ, और साथ में वी हाइड्रोजनीकरण, दो घटनाएं घटी है ना यहाँ पर, एक तो साइक्लाइजेशन हुआ है, चक्रीकरण भी हुआ है, और साथ में हाइड्रोजन भी निष्कासित हुआ है, तो ये पूरी प्रोसेस कहला रही है एरोमेटिकरण, ठीक, एरोमेटाइजेशन। हम एक एग्जाम्पल और उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये था, लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दिस इज एनहेप्टेन, क्या है बेटा एनहेप्टेन, यही कंडीशन सेम Cr2O3 प्लस Al2O3, ठीक, टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ प्रेशर भी होगा अप्रॉक्सीमेटली 15 ATM के आसपास टेम्परेचर भी होता है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर भी वही चक, अभी देखो ओपन चेन है, हमने 7 कार्बन है इस तरह लिख करके हम इसका साइक्लिक फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे स्टेबल साइक्लिक केस होता है वो 6 कार्बन का होता है, सबसे जो स्थाई साइक्लिक जो रिंग होती है वो 6 कार्बन की होती है, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले ये मिलता है, दिस इज मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हर जगह से निकलेगा, एक एक करके हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा, यहाँ पर भी, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ये बेंजीन हो गया, और ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, रिंग के बाहर है ना ये, तो दिस इज मेथिल बेंजीन, या इसको कहते हैं हम टैलुइन, क्या बोलते हैं बेटा, टैलुइन, ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, एक यहाँ से निकलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, इस केस में यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, जब ने एलिमिनेट किया है तो एक यहाँ से निकला है, तो कुल मिला के कितने हाइड्रोजन निकले हैं, 4, 4H2 निकला, मतलब 8 हाइड्रोजन, 1H2 यहाँ से, 3H2 यहाँ से, तो ये मिल गया मेथिल साइक्लोहेक्सीन, ये मिल गया मेथिल बेंजीन, दिस इज टैलुइन, ओके। तो अगला पार्ट ताप अपघटन, पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस नाम से ही लग रहा है ये, ताप अपघटन, गर्म करने पर पदार्थ टूट जाए, ठीक है, पायरो इसका टर्मिनोलॉजी देख लो जरा, पायरो का मतलब होता है फायर, ठीक है, पायरो का मतलब होता है फायर, पायर, और ये होता है लिसिस, लिसिस मतलब होता है ब्रेक, टूट जाए कोई चीज़, क्रैकिंग हो जाए, या लूजनिंग भी कहते हैं, टूट के अलग हो जाए वो, ठीक है, तो ये पायरोलिसिस की टर्मिनोलॉजी है। अब है क्या ये, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, अगर हाइड्रोकार्बन्स जो हायर नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स हैं, अगर उनको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करें, वायु प्रेजेंट नहीं है, तो वो छोटे छोटे जो समझात हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन में टूट सकते हैं, अगर कार्बन नंबर बड़ा है तो, या एल्कीन में, एल्काइन में, और साथ में चूंकि एल्कीन और एल्काइन बन रहा है, एल्केन से एल्कीन और एल्काइन बन रहा है, तो हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो आप कह सकते हैं एल्केन जो छोटे एल्केन है वो मिल सकता है, एल्कीन मिल सकता है, एल्काइन मिल सकता है, और अगर एल्केन से एल्कीन और एल्काइन मिल रहा है तो मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन भी एलिमिनेट करेगा। तो ये जो टूटना है हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब ये जो बड़े उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन हैं, ये जब वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किए जाएंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे, ये प्रोसेस कहलाती है ताप अपघटन, क्लियर, ताप अपघटन। अगर इस अपक्रिया को हम उत्प्रेरित कर दें, मतलब कोई उत्प्रेरक डालें जिससे ये अपक्रिया और इन्हेंस हो जाए, और अपक्रिया की दर बढ़ जाए, और जो उत्पाद हो या जो क्रैकिंग हो रही है, जो टूट रहा है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक हो, आराम से हो सके वो, तो उसके लिए हम कुछ उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसी अपक्रिया को हम बोलेंगे उत्प्रेरित ताप अपघटन। इस टर्म को एक और शब्द देते हैं, उसे बोलते हैं भंजन, क्या बोलते हैं, भंजन। तो गैसीय उच्च हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम वायु की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति और उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करें, तो निम्न समजात के हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन, एल्काइन के साथ साथ हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, और ये पूरी घटना कहलाती है उत्प्रेरित भंजन, क्या कहलाती है, उत्प्रेरित भंजन, या इसे हम कहते हैं ताप अपघटन,
क्लियर। किसी भी पदार्थ के लिए, देखिए ध्यान से हम बता दें आपको, किसी भी पदार्थ का अगर हम गर्म करें और पदार्थ ताप के द्वारा टूट जाए तो घटना कहलाएगी ताप अपघटन। ठीक जी हाँ, वो घटना कहलाएगी ताप अपघटन। स्पेशली एल्केन्स के लिए हम बता रहे हैं तो वहाँ एक टर्म यूज़ कर रहे हैं भंजन। तो अगर यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम यही क्रिया करा रहे हैं और सिस्टमेटिक तौर पर हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगी उत्प्रेरित भंजन, या सिर्फ भंजन भी कह सकते हैं। ताप अपघटन के अंतर्गत ही हिस्सा है ये, लेकिन ये उत्प्रेरित भंजन है। क्लियर। और एल्केन्स के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं भंजन, भंजन नॉट भंजन, भंजन। किसी अन्य पदार्थ के ताप अपघटन के लिए हम भंजन इस्तेमाल नहीं करते, हम एल्केन्स के टूटने के लिए हम भंजन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक, होता क्या है यहाँ पर, अब देखिए अगर उच्च कार्बन का एल्केन हमारे पास है तो वहाँ दो टाइप का बॉन्ड होगा, एक होगा सीसी बॉन्ड, एक होगा सीएच बॉन्ड, है बेटा। जो उच्च कार्बन के एल्केन है CH3, CH2, CH2 ऐसा कुछ अगर है तो वहाँ दो टाइप का बॉन्ड होगा एल्केन में, सीसी बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड और एक होगा सीएच बॉन्ड। तो जो CH बॉन्ड है अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं, अगर CH बॉन्ड है तो इसको तोड़ना चाहते हैं तो हम लेते हैं क्रोमियम, वैनेडियम और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स, मतलब ये उत्प्रेरक जो हैं वो सी बॉन्ड एच को तोड़ने में सक्षम होते हैं। सी बॉन्ड एच, एल्केन के सी बॉन्ड एच को तोड़ने के लिए क्रोमियम, वैनेडियम और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। Cr2O3, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से कोई और, मोस्टली हम यही लेते हैं Cr2O3, मतलब हम यही ले सकते हैं। और अगर सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ना हो, सी सिंगल बॉन्ड सी के बॉन्ड को ब्रेक करना हो, तब हम लेते हैं एल्युमिनियम, जिंक और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम का ही मोस्टली हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एल्युमिना, जिंक ऑक्साइड और ये सिलिका। क्लियर। तो सी बॉन्डेज को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे उत्प्रेरक का, और यहाँ पर सी सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एल्युमिनियम, जिंक और सिलिकॉन में से किसी एक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम ये लेंगे और ये लेंगे। क्लियर। अब देखो जरा क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर, ये हमने ले लिया मेथेन, लगभग टेम्परेचर हमने रखा 100 to 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा, है ना। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता आप करा देते हैं तो ये जल जाएगा, तो जलाना नहीं हमें तोड़ना है। तो मेथेन को हम तोड़ेंगे, मेथेन टूटेगा किस में बनेगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। थोड़ा हायर एल्केन पे आओ, C2S6 पे आ गए। ठीक, अब यहाँ पर दो टाइप का बॉन्ड मिल जाएगा, एक तो सी सी बॉन्ड में मिल जाएगा और एक सी एच बॉन्ड मिल जाएगा। तो सी एच बॉन्ड को तोड़ने में ये सक्षम है, तो अगर सी एच बॉन्ड को तोड़ा जाए, अब देखो ये था C2S6, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एथीन और हाइड्रोजन। क्लियर। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, हम कार्बन थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं C3H8, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा CH3 CH2 CH3। अब इसकी जो क्रैकिंग है उसकी दो पॉसिबिलिटी हम शो कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन अगर निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकालो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा साथ में ये, तो ये मिल गया प्रोपीन। ठीक, एक और तरीका हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 होगा बेटा, मतलब एक तरफ हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है और साथ में कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो मतलब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ दोनों हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन भी टूटा और कार्बन कार्बन भी टूटा है। ठीक है, हाँ कंडीशन वही है, कंडीशन वही, टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, लगभग 500 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया हुआ है यहाँ पर, और ये प्रोपेन था, दिस इज प्रोपेन, प्रोपीन और उत्प्रेरक वही Cr2O3 प्लस Al2O3 अब्सेंट है, ऑक्सीजन अब्सेंट है। क्लियर। थोड़ा और देख लो, जैसे मान लो C6H14 हो गया, है ना, ये नॉर्मल हेक्सेन है, ये अगर इसका अगर हम भंजन कराएं तो कौन कौन से हमें उत्पादित मिल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम से, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब हम लोअर जो हायर हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं तो उससे हम पेट्रोल या गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं थ्रू क्रैकिंग प्रोसेस। इसी क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो भारी या उच्च अणुभार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका भंजन करा करके निम्न या कम अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। और देखो C6H14 का, तो इसका भी हम वही ताप गर्म कर रहे हैं वायु की अनुपस्थिति में, और उत्प्रेरक वही है Cr2O3 प्लस Al2O
थ्री, अब पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग क्या क्या है, क्या क्या उत्पाद यहाँ मिल सकता है। देखो एक तो ये हो सकता है, हम तीन तीन करके देख ले रहे हैं, पहले तो C3H8 और C3H6 ये मिल सकता है, ठीक है। और देखो दो तीन करके देख लेते हैं, C2H6 और C3H4 ना, हाँ C2H6 हो गया, C3H8 कर दो, C3H8। तो C2H6 8 6 14 5 1 6, हाँ ठीक है, तो C4H8 कर दो, हो गया ठीक है। और देख लो, और देख लो, यहाँ CH4 मिल सकता है, C5H10 मिल सकता है, ठीक है। और देख लो C6H12 प्लस हाइड्रोजन मिल सकता है, मिल सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्केन भी है, एल्कीन भी है, और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर पायरोलिसिस एंड कह सकते हैं आप इसे भंजन, ठीक है। एक टॉपिक हम इस पार्ट में और देखेंगे, और वो क्या है, तो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक रिएक्शन हम और देखेंगे, ठीक है, और वो क्या है, कीटोन्स रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा यूज़फुल रिएक्शन है, एल्कोहल बन जाता है इससे, तो वो देखेंगे क्या है। यहाँ पर अगर हम 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन ले लें, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन ले लें कुछ, जैसे ये है, ये हाइड्रोकार्बन हम यूज़ कर रहे हैं एल्केन्स में, ये हाइड्रोजन 3 डिग्री का है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कीटोन से करा दें, कीटोन मतलब RCOR इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो हमें एल्केन से हमें कीटोन क्रिएशन के बाद सीधे सीधे एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है ना, ये पोलर होता है, तो ये बॉन्ड हमेशा शिफ्ट रहता है इसकी तरफ, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो दैट पाई बॉन्ड इज गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा रहेगा। अब आप जानते हैं कि 3 डिग्री का जो हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री का हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इन 1 डिग्री, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है इसके पास, ठीक, और ये जो कार्बन है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो जरा, यहाँ डबल बॉन्ड से बन गया होगा सिंगल बॉन्ड, और उस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया होगा H, और ये वाला कार्बन इस सीरीज के साथ जुड़ जाएगा, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब हम पहले ये बना रहे हैं CH3 यहाँ लग गया, ये वाला C है बेटा OH, ये वाला CH3 नीचे दिखा रहे हैं, ठीक, ये मिल जाता है। तो दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, देखो ये कार्बन 3 डिग्री का है, OH इस पे लगा है, तो जो जिस नेचर का कार्बन उससे जुड़ा OH भी वैसे ही, तो 3 डिग्री का एल्कोहल। नाम देखो जरा, IPSC नेम यहाँ से गिने, फंक्शन ग्रुप है ना, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये सब साइड चेन में आएंगे, तो कहाँ कहाँ आएगा, 2,3,3 ट्राई मेथिल है ना, ब्यूट, दूसरे पर OH है, 2-ol, क्लियर, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स मोस्टली, क्लियर। तो अगला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा एल्कीन्स का। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।